चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975। रविवार के दिन महाराजगंज प्रखंड के बलहू पंचायत के मुखिया सुनील कुमार सिंह का अपराधियों ने दरौंदा थाना क्षेत्र के करसौत पुल के समीप गोली मार कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सिवान सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां सिवान मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौहान पहुंचे और पोस्टमार्टम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये हमारे लिए काफ़ी दुख का समय है। मुखिया अजय चौहान ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सम्मानित मुखिया सुनील कुमार सिंह के परिवार के साथ पूरा जिला मुखिया संघ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। साथ ही अजय चौहान ने पुलिस अधीक्षक महोदय से ये कहा कि जिला मुखिया संघ ये मांग करता है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग पूरे जिला में विरोध प्रदर्शन का कार्य करेंगे। अजय चौहान ने कहा कि नीतीश सरकार के इस कानून के राज में लगभग सैकड़ों मुखियाओं का पूरे बिहार में हत्या हुआ, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्द है, और उसी कड़ी में आज पुनः हम सभी को यह घटना काफ़ी झकझोर दिया है। इसलिए मैं प्रदेश के सभी सम्मानित मुखिया से निवेदन करता हूं कि इस तानाशाह नीतीश सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर इसको जवाब देने का काम किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने और क्या क्या कहा। बहुत दर्द है हम लोगों को। हम लोग अभी आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। तमाम वहाँ के जनमानस, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित थे। दर्द तो है, हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे। एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है, और दूसरी तरफ तमाम आप सैकड़ों ऐसे मुखिया हमारे बिहार में हैं, आप जब सुनते होंगे उनकी हत्याएं हो चुकी, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। तमाम हम लोग 12 बजे रात को अगर हमारे मालिक कहते हैं कि हमको चलना है हॉस्पिटल, हमको चलना है थाना, हम लोग जाते हैं उनके सुख और दुख में। तो 12 बजे रात और 12 बजे दिन को जो लोग मेहनत करते हैं उनका कहीं सुरक्षा का कोई पैमाना नहीं है। हम लोग कई बार मांग किए थे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, उच्च स्तर पर भी हम लोग ने मांग किया है कि कम से कम मुखिया को सुरक्षा देने के लिए जैसे प्रशासन अपने स्तर से व्यवस्था करे, और नहीं व्यवस्था करने का खामियाजा देख लीजिए। अगर हमारे साथी के पास अगर सरकार के द्वारा दिया गया आर्म्स होता, तो जिस जज्बा के साथ हमारे सम्मानित मुखिया ने अपराधियों से लड़ने का काम किया, चूंकि उन लोगों के पास हथियार था और ये निहत्था थे, लड़े हैं वहाँ भिड़े हैं, उनके पास जो शक्ति थी, मैं उनको जैसे कैसे क्या बताऊं कितना बड़ा दर्द है, वह लड़े हैं। लेकिन आज अगर प्रशासन के लोगों के द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाया गया होता तो ये ऐसा घटना नहीं होता। वो जवाब देते, उसका अफेंस करते, रिप्लाई करते, तो हम लोग बहुत इससे मर्माहत हैं। और नीतीश कुमार जी को हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो घटना इस तरीका से सरेआम, मतलब 12 बजे दिन और 1 बजे दिन में अगर किसी मुखिया की हत्या होती है, वो अभी मेन रोड पे, इससे बड़ा विडंबना हम लोगों के लिए और हमारे बिहार वासियों के लिए और इस समाज के लिए क्या हो सकता है। मतलब 12 बजे दिन में ही आदमी सुरक्षित नहीं रहता हो, आचार संहिता लागू हुआ, इसके बाद भी अपराधी देखो, आप देख लीजिए ये सिलसिला बढ़ा हुआ है। अभी तो आदर्श आचार संहिता लगा और स्पीड बढ़ गया, मुखिया की ही हत्या हो रही है, कल विधायक का हत्या होगा, आम जनमानस के ऊपर कब कौन सा कहाँ गाज गिर जाएगा, इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। और आपके माध्यम से वहाँ जब हम गए थे, वहाँ के लोगों का डिमांड था कि अगर पुलिस अधीक्षक महोदय आते तो निश्चित तौर पर अपराधियों की गिरफ्तारी में स्पीड हो जाता, और ऐसा होना भी चाहिए। उनके प्रथम इकाई हैं और उनको जिला की कमान दी गई है विधि एवं व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए। वहाँ का मुखिया का हत्या हो जाता, लोग वहाँ डिमांड करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय आए और आकर के आश्वासन दे कि गिरफ्तार कितने टाइम में होगा, कब होगा, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय लाख इंतजार करने के बाद नहीं जाते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्द है। ये दर्द आप कैसे बयां करें कि किस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष से क्या मांग करेंगे? निश्चित तौर पर हम जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब से मांग करना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का मुखिया आपका प्राइमरी अंग है और आपके आपके शासन का वह एक प्रथम कड़ी है,
और अगर वह सुरक्षित नहीं है तो हम आपका काम और लोगों का काम, जनमानस का काम कैसे कर पाएंगे। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय से उनका विशेष ख्याल रहता है ग्राम पंचायत के मुखिया पे, और हमने जब भी उनसे मिला है, हम जब भी जिलाधिकारी महोदय के पास गए, हम उनसे बार बार आग्रह किए हैं कि हम लोग सर आपके इकाई है, प्रथम इकाई है, हमारी सुरक्षा, हम काम जनमानस का करते हैं, काम शासन और प्रशासन का काम करते हैं, तो हमारी आपसे मांग रहती है, गुजारिश हमने बार बार हमने उनसे गुजारिश किया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया का सुरक्षा आपकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। तो मैं उनसे मांग करता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूँ कि आपको कम से कम जो हमारे साथी का जो हत्या हुआ है, आप 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को गिरफ्तार करिए। अगर वह अपराधी गिरफ्तार नहीं करते हैं तो आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए पूरे 293 पंचायत के सम्मानित मुखिया अगले रणनीति पे हम लोग बताएंगे कि अगले रणनीति पर किस तरीके से सरकार और शासन को घेरने का कार्य करेंगे, ये हम लोग आपको बताएंगे। आप देख लीजिए, आप एक डेटा उठा करके देख लीजिए, अगर आपके पास डेटा हो, नहीं तो हम लोग डेटा निकाल के देंगे। तमाम शासन के भी लोग और इस सरकार में बैठे हुए माननीय सांसद, माननीय विधायक और तमाम उनके प्रतिनिधि, आप बार बार देखते हैं क्या बोलते हैं कि 15 साल का जंगल राज रहा, 15 साल का वह जंगल राज है और ये 15 साल का मंगल राज है। इस मंगल राज में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस मंगल राज का जो व्यवस्था आपने कायम किया है, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, इसका कहीं कोई पैमाना नहीं है, कहीं कोई स्केल नहीं है, कब किसके साथ कौन घटना हो जाए। तो ये आने वाले समय में अब जो सामने है कि 3 अक्टूबर, 28, 3 और 7 को ये जजमेंट होगा और निश्चित तौर पर 10 तारीख को नीतीश कुमार की यहाँ से विदाई होगी।